रायगढ़ शिवसेना जिला प्रमुख शिरीष गरद के आवास पर हुई मारपीट के मामले में उपशहर प्रमुख मंगेश रनावड़े और इम्तियाज शेख ने 300 शिवसैनिकों के साथ पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ स्थानीय पदाधिकारी लगातार उन्हें बाहर वाला बोलकर अपमानित और मारपीट करते आ रहे हैं, लेकिन आलाकमान उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 मार्च तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सैकड़ों शिवसैनिकों के साथ पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शिवसेना एक बहुत शिस्तप्रिय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंडक्ट होते हैं अंदर शिवसेना में, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें सिखाए जाते हैं कि जो भी करना है अंदर सुलझा के फिर बाहर करना है। सो अगर बहुत प्रयत्नशील रह के भी पिछले 4-5 साल से अगर हल नहीं निकल रहा है, तो किसी को बदनाम न करके पार्टी के हित में जो करना है वही आज हम कर रहे हैं। आपके जिला प्रमुख के सामने खुले तौर पर एक पदाधिकारी अपने ही एक सीनियर पदाधिकारी के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, और वो भी सिर्फ एक फोटो के लिए। आपको नहीं लगता ये पार्टी के लिए शर्मसार करने वाली बात है? इसके बावजूद भी आप उसके सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी ये करूंगा कि एक एटीट्यूड है, एक सिर्फ एक फोटो है, ये विषय नहीं है। उसके पीछे एक भूमिका है, और वो भूमिका मैंने जैसे कहा ये बदलने के लिए हमारा प्रयत्न है। हम पार्टी से एकनिष्ठ है, पार्टी की उन्नति होनी चाहिए, इवॉल्वमेंट होना चाहिए, इसको बोलते हम इवॉल्व होते रहते हैं अच्छी तरफ के, ये होने का हमारा प्रयत्न है। अगर मैं चाहता था तो हम लोग चुप बैठ के उसको सहन कर पाते, लेकिन जो बाला साहब ने सिखाया है रड़ाइसा नहीं लड़ाइसा, यही हमारा परिवार। एक चीज जो आपने कहा कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुई, अंतर्गत इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, तो फिर इस कॉन्फ्रेंस का औचित्य क्या बचता है? इस कॉन्फ्रेंस का एक ही औचित्य, एक ही मकसद है कि जो सामान्य नागरिक है, और जैसे अभी हम जैसे जो शिवसैनिक है वो मुंबई से आए, कोई पुणे से आए, कोई इतर जिले से आए, जो चाहते हैं कि शिवसैनिक बढ़ना चाहिए यहाँ पे, जो दिख रहा है बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हम बंबई में जब थे तो हमारा जो काम करने का एक तरीका था वो इधर दिख नहीं रहा है। यही हम क्या कारण है और क्या कर सकते हैं, एक जवाबदारी के साथ हम अपने वरिष्ठों को आपके माध्यम तरफ से, अभी तक किसी ने किया नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी ने किया नहीं होगा, लेकिन वो हम करना चाहते हैं। ये हमारे दो चीज़ें मैं इस माध्यम से आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि वैयक्तिक रूप से अगर आप बबन दादा के पास भी मेरे बारे में पूछोगे तो वो हम मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे, इज़ अ वेरी गुड पदाधिकारी, बहुत अच्छा काम करते। रही बात फिर शिरीष गरज जी की, वो भी ये बात करते हैं, तो ये मसला दोनों को मालूम है कि ये विषय ये है। बट अभी एक ऊपर से जब लगाम आता है, चाबुक आता है, वो जब तक पड़ता नहीं तब तक ये बात उलझेगी नहीं। इस ये और अपन जो म्हणतो गुंतागुंती ते विषय होत जाईल, हे करण्याचा आमचा एक प्रयत्न आहे। मैंने जब ये निर्णय लिया था छोड़ने का, तो बहुत सारे पदाधिकारी खारगर से नहीं बट इतर पनवेल फोन करके बोला कि क्या हो गया, क्यों कर रहे हो। मैंने बोला तो ये हम भी शायद आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, हम भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से 7 दिन के अवधि में बहुत लोग हमसे जुड़ जाएंगे, ताकि एटलीस्ट ये मैसेज क्लियर जाए कि क्या हो रहा है, आला कमान को समझना चाहिए। मैंने खुद इन्फॉर्म किया था क्योंकि पहला कॉल मुझे ही आया था, तो मैंने बोला कि प्रोटोकॉल जो हमको मिला है उस प्रोटोकॉल के बेस पे ही हमने वो बैनर लगाया है, और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप प्लीज़ टॉक टू योर सीनियर्स। मैंने बोला आप शिरीष दादा से फ़ोन करके बात कर लो, आप दीपक गरज से बात कर लो। वी वेंट ट्वाइस, दो बार हम जाकर आए और दोनों बार हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ये फोटोग्राफ्स हमने बैनर रेडी किया है, सो व्हाट शुड वी डू, यू फाइनलाइज, ताकि कोई किसी का बाद में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से हमको शिवसेना के ऑफिस से बोला गया कि ये प्रोटोकॉल फाइनल है, आप इसको
प्रिंट करके लगा दो, तो हमने उसको लगा दिया। उसके बाद अगर किसी का भी मुझे कॉल आता है तो मेरा काम ये बनता है कि भाई माई सीनियर्स हैव इन्फॉर्म्ड मी दिस, आप इसको इस तरह से बोला गया है, आप उनसे बात करिए ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उनसे बात करो, अगर वो बोलते हैं चेंज कर रहे हैं आई विल चेंज इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई फ़ोटो लगाने का मेरा या मंगेश भाई का या मेरे ग्रुप का कोई हमको इतनी हाव नहीं लगी है कि मेरा फ़ोटो लगे। बट जब प्रोटोकॉल सेना के ऑफिस से हमको मिला है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो यही बात मैंने उनको बोली, तो इमीडिएटली सामने से मुझे गाली आ गई, तो रिटर्न में मैंने भी गाली दिया, तो ये गाली गलौच होके फिर धमकीबाजी शुरू हो गई। तो आफ्टर दैट उधर ये इंसिडेंट जो है वो सर के ऑफिस पे सर ने उनको बुलाया, मैंने सेम टाइम पे शिरीष दादा को कॉल किया, मैं बोला सर आपने जो प्रोटोकॉल दिया था उस प्रोटोकॉल के बेस पे हमने वो काम किया और अभी ऐसा सब ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कल महाशिवरात्रि है तो आप कल मत आइए, परसों के दिन 7 बजे का हमको टाइमिंग यानी कि कल का टाइम दिया था। तो हम उधर ऑफिस पे गए, जब ऑफिस पे गए मीटिंग स्टार्ट होने के 2-4 मिनट के साथ में ही वापस से गाली गलौज शुरू होके हाथापाई पे वो लोग स्टार्ट हो गए। तो बोलने का मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सीनियर्स हैं शिवसेना के, दे हैव टू टेक अ स्टैंड कि ये जो गांव वाला और शहर वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग कोई चाइना जापान से नहीं आए, वी आर ऑल इंडियंस। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ के फ्लैट्स ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, आज 10 साल हो गए मैं यहाँ पे खारघर में रहता हूँ, मंगेश भाई पिछले 10 साल से रह रहे, तो क्या हम लोग कभी खारघर के रहवासी बनेंगे? नहीं, मतलब वी आर ऑलवेज आउटसाइडर्स। सो आर वी लिविंग इन इंडिया और आई एम लिविंग समवेयर आउटसाइड इंडिया? तो ये जो चीज़ है ना कि हर बार मैं गाँव वाला तुम शहर वाला, ये कहीं ना कहीं रुकना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हर बार इस तरह से जो है ना हम लोग जब काम करने जाते हैं तो हमको रुकावट आती है कि आप बाहर वाले हो, आप हमसे कोई चीज़ पूछ के किया करो। अरे हमने जब आपके सीनियर से पूछ लिया तो आप सीनियर से बात करो ना, आप हमारे पे प्रेशर क्यों ले रहे हो? तो वो चीज़ गलत हो रही है। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा यही है कि आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को भी, आई विल से इट शुड गो टू द टिल सेना भवन ऑल्सो, कि दिस शुड स्टॉप इमीजिएटली सो दैट इट शुड नॉट इफेक्ट जो शिवसेना का जो इमेज हम पिछले 2017 से यहाँ पे एक लोगों के पास जाके कि हम शिवसेना में ज्वाइन करिए, इट इज़ अ वेरी गुड पार्टी एंड इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी, इट इज़ अ गुड पार्टी, लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बिकॉज खारघर के अंदर 85% जो लोग हैं वो सारे सोसाइटीज़ के हैं, हार्डली देर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 15-20% जो गाँव वाले हैं, तो कैसे फिर लोग जुड़ेंगे? आज लोग जुड़ रहे हैं इसी वजह से जुड़ रहे हैं ना, बिकॉज इट्स अ गुड पार्टी, इट इज लिसनिंग टू अस, सो वी वांट दैट द सीनियर शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस और इसको कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।